हेलो एंड वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इकोनॉमिक सर्वे 2021 वॉल्यूम 2. टू दिस विल बी स्पेशली एम बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं ताकि ये जो वॉल्यूम है आपको बोरिंग ना लगे अगर आपने वॉल्यूम वन नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक इट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन क्योंकि जो वॉल्यूम टू है वो कम्प्लीटली बेस्ड है वॉल्यूम वन पे वॉल्यूम वन जो है वो कंसेपचुअल था वॉल्यूम टू जो है उसमें क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किए गए हैं ताकि आपको जो चैप्टर्स हैं वो बोरिंग ना लगे तो सिमिलरली लाइक द लास्ट वीडियो वॉल्यूम टू में ये जो वीडियो है इसमें फर्स्ट फर्स्ट फाइव चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट फाइव चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो लेट्स बिगिन आर डिस्कशन सबसे पहले चैप्टर वन स्टेट ऑफ द इकोनमी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आ मैक्रोव्यू इसमें जो कोट है वो ये है डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इज द रोप द वेल्थ मेकिंग इट बाउंडलेस डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इज द रोप द वेल्थ मेकिंग इट बाउंडलेस सो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड नाइनटीन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी दिस इज इन करेक्ट

on 11th march 2020. next, covid-19 has infected all continents excluding antarctica. this is also incorrect, including antarctica. me uh, clearly given a covid-19 infected all continents including ant antarctica. and more than 2,000, uh, more than 2,20 countries have been infected by covid-19. so, d here is the answer. next, द फेस्टिव सीजन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर लेट टू सेकेंड वेव ऑफ इंफेक्शन इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट द फेस्टिव सीजन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर लेट टू सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इन नर्दर्न जोन जो नर्दर्न रीजन है इंडिया का सिर्फ उसी में फेस्टिव सीजन में जो है वो सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आई थी जो इनिशियल स्प्रेड था ऑफ द पैंडमिक इट वॉज लिमिटेड प्राइमेली टू वेस्टर्न एंड नर्दन जोन ऑफ कंट्री लेकिन

एंड सर्दर्न तो ये जो वेस्टर्न और सर्दर्न रीजन था ये ज्यादा इफेक्टेड था सो हेयर यू कैन इजिली सी द ट्रेंड इन स्प्रेड ऑफ कोविड नाइनटीन अक्रॉस रीजन इन इंडिया फर्स्ट देद इज शेयर इन कमुलेटिव कन्फर्म केसेस इसमें जो है इजिली जो है वो आप जज कर सकते हैं कि वेस्टर्न सर्दर्न एंड नर्दर्न ये जो रीजन थे ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे अगर हम इंफेक्शन वेव की बात करें तो सदर्न जो था जैसे जुलाई का टाइम आता है विद इन दिस पीरियड जो सर्दर्न रीजन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड था उसके बाद जो है वो वेस्टर्न रीजन है और सबसे लोएस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो बहुत कम जो इफेक्टेड था अगर हम इसमें देखें टोटल कन्फर्म केसेस पर लैक जो हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो सदर्न स्टेट्स में है और ये जो रीजन है इसमें जो है केसेस बहुत ज़्यादा कम है लेकिन अगर हम वेस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो जो महाराष्ट्र है ऑल ओवर इंडिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट महाराष्ट्र ही रहा नॉर्दर्न रीजन विटनेस थ्री डेथ वेव एंड टू बी मोस्ट लिथल एक्सीडेड मोर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव और जो वेस्टर्न जोन था इट हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मर 27 डेथ्स पर लाख बट दैट्स पर कैपिटा अगर हम बात करें तो ये लोअर थी ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो में ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन टेकन टू फ्लैटन द एपिडिमोलॉजिकल जो कव है दिस इज सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेवल बैन ट्रेसिंग इनफेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट जे ये जो तीनों हैं ये नॉन फार्मास्यूटिकल हैं लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल ऑप्शन आ गई तो करेक्ट आंसर है वन टू एंड थ्री

social isolation measures, tracing infected person contacts and enhanced, enhanced uh, testing all over india. these were the measures which were taken to flatten the curve. next, the pandemic triggered both supply and demand side shocks simultaneously across economies around the world. this is correct. next is the supply chain disruptions were caused by increased uncertainty and weaker growth prospect. this is incorrect. Demand side to disrupt, disruptions, the, they were caused by increased uncertainty, uh, weaker growth prospects, loss of income, fear of uh, contagion, uh, containment of uh, sp uh, spreading options due to closure of all contact sensitive activities, which triggered uh, precautionary savings, risk aversion among business, which led to consumption and investment uh, for, uh, resultant fall.

Reduction in consumption due to wage or income loss. If we talk about supply shock, then labor supply shock, inability to work from home in non-essential industries, next disruption in supply chain linkages. Next question: Agriculture was largely insulated from lockdown in India. This is correct. As compared to construction and services, manufacturing sector was hit the hardest. This is incorrect.

इन इन्फॉर्मर वर्कर्स का शेयर ज्यादा है उनपे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा लॉकडाउन का रेदर तो दैन ग्राफ में क्लियरली देखें तो जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो इनफॉर्मर वर्कर्स की परसेंटेज है उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरी है तो इन ये जो सेक्टर्स थे इन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंपैक्ट इन इंडिया the cumulative loss to global gdp over 2021 is greater than economies of japan and germany combined. this statement is correct. the cumulative loss is, is estimated around us dollar 9 trillion So 9 trillion ka jo, wo, hai, wo loss, hai. it's estimated, which is greater than the economies of japan and germany combined. next is loss of output is an, anticipated to be more severe in advanced economies compared to emerging developing economies excluding china not including china so this statement is correct so here both the statements are correct the pandemic induced border closures and supply disruptions interrupted the international provision of goods and services agram global composite purchasing managers index code it was in contraction for five months before july 2020 so global trade is projected to contract by 9.2 तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है ये कॉन्ट्रेक्ट करेगा 9.2 पॉइंट टू परसेंट से इन टू थाउजेंड ट्वेंटीबल टू डिक्लाइन ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइन का जो ग्लोबल रिसेशन था उसके साथ जो है इस, इसको कंपेयर किया जा रहा है तो अगर हम ग्लोबल ग्रोथ में देखें तो जो वर्ल्ड की लाइन है वो ये है वर्ल्ड का ट्रेंड ये जा रहा है और अगर हम इसमें एडवांस इकोनॉमीज़ देखें तो एडवांस इकोनॉमीज़ का ग्राफ ये है और अगर यूरो एरिया देखें तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही जो है वी शेप जो है इसका फॉल है लेकिन इंडिया में जो है वो रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है बाय द टाइम ऑफ दिसंबर नवम्बर दिसम्बर नेक्स्ट इज गोल्ड इमर्ज इज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ पेंडेमिक प्राइस दिस इज एप्सोल्यूटली करेक्ट The recovery in oil prices was more modest amid concerns over pandemic's impact on oil demand, but gold emerged as a safe haven investment. Because its the price they increased by twenty six point two percent in November two thousand twenty. If we compare it by prices of December two thousand nineteen. Next is food. Uh, food prices also surged during the year, reflecting supply chain disruptions. This is also correct. सो सी हेयर इज द करेक्ट आंसर एज रिजल्ट ऑफ वीक डिमांड एंड सब ड्यूड एनर्जी प्राइजेज इन्फ्लेशन मॉडरेटेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफ्लेशनरी प्रेशर इमर्ज इन मेजर एडवांस इकोनॉमीज़। लेकिन इंडिया में जो फूड प्राइजेस थे वो जो थे वो सर्च किए थे ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम तो अगर हम वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड ग्रोथ देखें तो इसका नॉर्मल जो टू थाउजेंड इलेवन एटीन से जो ट्रेंड था ये राइस पे था लेकिन अगर उसी पीरियड में हम इसको पैंडमिक के पीरियड में देखें तो इसका जो ग्राफ है ड्रॉप होने के बाद एंड के टाइम पे फिर जो है वो राइस करना स्टार्ट हुआ है तो इसी में अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी थी इसमें ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट का जो है वो कंट्रेक्शन हुई थी इन क्वार्टर वन और अगर क्वार्टर टू की बात करें तो सेवन जो है वो कंट्रैक्शन हुई थी जिससे कि इंडिया का जो ग्राफ है हम ऑलरेडी वॉल्यूम वन में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसा जो है वी शेप जो है वो हमारा ग्रोथ का जो ग्राफ है वो था नेक्स्ट एग्रीकल्चर इज ओनली सेक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू ओवर और ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन तो इनमें से कौन सी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी दे आर क्रिटिकल इन सपोर्टिंग दिस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर सो हेर इज प्रमोटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्रू एफ पीओ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ई न प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन टू सब्सिडीज एंड कस्टमिंग ऑफ कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट फॉर्मूला फॉर एमएसपी सो हेयर डी इज द करेक्ट आंसर सेक्टर क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में एग्रीकल्चर में थ्री पॉइंट वन परसेंट की जो है वो ग्रोथ देखी गई यही एक सेक्टर था जो ग्रो कर रहा था इसने पॉजिटिवली है रिस्पॉन्ड किया क्वार्टर वन और टू में और इससे जो रबी और खरीफ की जो रबी हार्वेस्टिंग और खारिफ की जो सोइंग थी इस पीरियड में वो जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कोविड नाइनटीन के लॉकडाउन से तो अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखें तो एटीन नाइनटीन में ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव टू मिलियन टन थे जो कि नाइनटीन ट्वेंटी में इंक्रीज इसमें इंक्रीज देखा गया है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ई वे बिल्स आर करेक्ट तो ईवी बिल्स आर अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सप्लाई चेन करेक्शन एंड लॉजिस्टिक्स ग्रोथ सो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट देर वॉज नो कॉन्ट्रेक्शन इन ई वे बिल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड दिस इज इन करेक्ट ई वी बिल्स जो थे दे विटनेस अ शार्प कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सेवेंटी फोर परसेंट सेवेंटी फोर परसेंट की जो वो कॉन्ट्रेक्शन देखी गई अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में जो इंटर स्टेट है वो 89 परसेंट से प्लंज हुआ और जो इंट्रा स्टेट है वो 80 परसेंट से जो प्लंज हुआ कंपेयर टू अप्रैल 2020 नेक्स्ट इज वी शेप्ड वी शेप्ड रिकवरी इन रेवेन्यू कलेक्शन वॉज क्वाइट क्विक इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दिस इज करेक्ट वन एंड थ्री आर करेक्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है वो जो ग्रोथ है वो बहुत क्विक हो गई मतलब जून में ही जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया लेकिन अगर हम उसी उसी को कंपेयर करें तो महाराष्ट्र जो हॉटस्पॉट था कोविड नाइनटीन का उसमें जो है रिकवरी अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हुई और हरियाणा और गुजरात भी जो थे उनमें जुलाई में जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई लेकिन सबसे वर्स्ट जो रहा वो महाराष्ट्र रहा तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ ई वे बिल बाय डिस्टेंस कैटेगरी को देखें तो क्लियरली विजिबल है कि जो जो मोर देन थाउजेंड का जो डिस्टेंस है जिसके साथ उसमें मैक्सिमम फॉल है तो मैक्सिमम फॉल किस में आया मोर देन थाउजेंड किलोमीटर वाले में अब हम देखते हैं ऑल इंडिया वैल्यू ऑफ पे देखें तब भी हम देखते हैं कि अप्रैल में जो है वो इसका था 2020 में। फिर इसकी भी शेप कर्व थी जो धीरे धीरे जो है राइज हुआ तो बोथ वॉल्यूम बिल्स जनरेटेड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दिसंबर विद डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ ट्वेल्व अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 12.3 परसेंट से जो वॉल्यूम है इसका दिसंबर 2020 में राइज हुआ अगर हम वैल्यू ऑफ टोटल ई बिल्स की बात करें, तो सेवेंटी फाइव परसेंट से जो है वो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ तो इस इसकी जो है वी शेप ग्रोथ हुई फिर ये ग्रो करने लगा नेक्स्ट आफ्टर कंसिस्टेंटली राइजिंग फॉर सिक्स मंथ्स हेडलाइन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन इज सी इन दिसंबर दिस स्टेटमेंट इज इज इनकरेक्ट जो हेडलाइन इन्फ्लेशन inf है ये मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो ईज हो चुकी है लेकिन अगर फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो इट स्टिकी ओइंग टू हायर क्रूड ऑयल प्राइस सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेप्थ एज अ रेशो टू जी डी पी इज कम्प्राइज प्राइमरीली ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल डेप्थ दिस इज करेक्ट सो बी हेयर इज ओनली द करेक्ट आंसर और जो एक्सटर्नल डेप्थ था एज अ जी डी पी टू रेशो इट रोज मार्जिनली टू ट्वेल्व पॉइंट सॉरी ट्वेंटी एंड ऑफ सितंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एंड अर्लियर इट वॉज ट्वेंटी इन मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी तो मार्च में ये फिगर थी और सितंबर में राइज होके ट्वेंटी हो गया एंड हाई फूड प्राइजेज रिमेन मेजर ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी अगर हम नॉर्मली इसकी बात करें हाउवर इन्फ्लेशन इन दिसंबर फेल बैक टू टारगेट रेंज ऑफ फोर टू प्लस माइनस टू परसेंट

इट वॉज लॉन्च इन सिक्स स्टेट ओनली केवल सिक्स स्टेट्स में जो है लॉन्च किया गया था सो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट नेक्स्ट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गॉज लॉन्च टू प्रोवाइड मस्ट नीडेड रिलीफ टू स्ट्रेस सेक्टर्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो वन एंड थ्री जो है वो करेक्ट है सबसे पहले जो डिमांड स्टिमुलस था पोअर और वनरेबल सेक्शन के लिए इट इंक्लूडेड वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए गए विमेन के जनधन अकाउंट में फिर एडिशनल पेंशन पेमेंट्स प्रोविजन फॉर फ्री गैस सिलेंडर्स एलोकेशन अंडर मनरेगा तो ऐसी जो है वो चीजें की गई और जो गरीब कल्याण यो, योजना है ये सिक्स स्टेट में थी सिक्स स्टेट में थी वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट में ये जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसका टू पॉइंट जीरो वर्जन भी जो है वो भी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में ही लॉन्च किया गया And it was launched to offer necessary credit guarantee for loans by banks and NBFCs to identify its stress sectors. Next, in this second, measures and RBI in a to manage liquidity situation in Indian economy. To open market operations, targeted long term repo operations, increasing cash reserve ratio this is incorrect, decreasing cash reserve ratios. There was a reduction in CRR requirement of banks from four percent of net demand and time, uh, time liabilities to three percent. So, this may reduction. With next is special purpose vehicle to uh, purchase short term papers. So, one, two, and four are correct. C is the correct answer. Government injected durable liquidity of more than rupees two point seven lakh crore to open market operations. रूपीज फिफ्टी थाउजेंड करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड रीफाइनेंस फैसिलिटी वर्थ री फाइनेसिलिटीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ीट्यूशन टू नबार्ड एन एच बी सिड बी एंड एक्सिंट बैंक तो ऐसी जो स्टेप्स थे लिए गए स्टेप लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट इज इन इंडिया द रियल जी डी पी कॉन्ट्रेक्टेड बाय सेवन पॉइंट सेवन परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस कंट्रेक्शन इन जी डी पी आर करेक्ट

बाकी तीनों में स्टीफ फॉल इन एग्रीकल्चर आउटपुट था लेकिन इस बार हमने देखा है लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है तो जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है नेक्स्ट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइवेट सस्टेन ग्रोथ ऑफ जी डी पी टू थाउजेंड ट्वेंटी अगेन इन गवर्नमेंट कंजम्प्शन एंड नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन इन जी डी पी वाई ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइवेट कंजम्पन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कंट्रेक्शन तो ये बिल्कुल जो है वो स्टेटमेंट उलट है गवर्नमेंट कंजन एंड नेट एक्सपोर्ट इन जीडीपी वाइल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड सो ओनली वन ए इज आंसर तो अभी तक जो है ऐसी इंडिया में चार बार आई है 65, 66 में 71, वन में 79, 80 में और उसके बाद जो है

जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उन पे फोकस किया सो गवर्नमेंट यूज्ड टू का कैलिब्रेटेड फिजिकल सपोर्ट फोकसड ऑन इसेंशियल ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड डिमांड पुश ड्यूरिंग अनलॉक फेज नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि करेक्ट हैं वन एंड थ्री जो हैं वो करेक्ट हैं इंडिया ने फोर प्रोंग जो है वो स्ट्रेटेजी uh, ली थी कंटेनमेंट मेजर्स फिर जो हमने डिस्कस किया फिजिकल सपोर्ट During the unlock phase, for financial measures fit structural reforms. And in the end, India has become the fastest country to roll out 10 lakh vaccine in a matter of 6 days and emerge a leading supplier of vaccine to Brazil and neighboring countries. So, this was all in chapter 1. So, now let's move on to chapter 2. Chapter 2 is fiscal developments. Precision beats power, and timing beats speed. Next is, which of the following were earlier fiscal response of Indian government for revival of economy? So, here is ramping up of capital expenditure, production link incentives, schemes to revive consumption demand. So, here these, none of the above we last that India has step by step approach. liya. this, what the cushion for poor and vulnerable section of society and to business sector especially MSMEs, लॉकडाउन, In जिसकी मेजर्स हम डिस्कस कर चुके हैं डोमेस्टिक डिमांड उसके बाद जो है इन तीनों को फॉलो किया गया क्योंकि इकॉनमी एकदम स्टैंड स्टिल में थी अगर इन सब में गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट भी करती हमने इसको डिटेल में जो है वॉल्यूम वन में डिस्कस किया है तो उसका जो है वो रिजल्ट नहीं आता और इसमें एक और चीज़ जो है इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की गई है उन्होंने बताया कि इस जो फर्स्ट टू क्वार्टर्स थे 2021 के उसमें मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो तीन कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया था मिनिस्ट्री ए मिनिस्ट्री बी और सी जो ए थी दे वर प्रोवाइडिंग रिलीफ और वेलफेयर टू द पब्लिक तो उनका कोई भी एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्शन नहीं था उनको और एलोकेशन दी गई थी वेलफेयर जो मिनिस्ट्रीज देख रही थी जो कैटेगरी बी में थी उनको अलाउ किया गया था कि उनका जो बजट पर क्वार्टर है बाकी जो था गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं की गई थी और आप इस ये जो क्वेश्चन है आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है की उन्होंने कौन से स्टेप्स फॉलो किए तो आफ्टर पहले उन्होंने पेंडेमिक रिलीफ दिया आफ्टर पेंडेमिक रिलीफ जो है गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिव डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है वो प्रायोरिटी दी बिकॉज़ इट हैज अ हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 20 ऑफ इंडियन इकॉनमी तो फर्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज ट्वेंटी फोर परसेंट हायर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन प्रीवियस ईयर में तो टू थाउजेंड नाइनटीन में जितना था उससे ट्वेंटी फोर परसेंट हायर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया तो दिस इज करेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट uh, ने किया वो था थ्री पॉइंट सेवनटीन लैख करोड़ जो कि ट्वेंटी फोर परसेंट हायर है नेक्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट थ्री मंथस ऑफ द ईयर वॉज हाइएस्ट दिस इज अगेन करेक्ट जिसमें कि अक्टूबर में अक्टूबर में वन टू नाइन पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज हुई नवंबर में टू फोर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ और दिसंबर में एटी वन पॉइंट नाइन परसेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत स्लोली जो है एक्सपेंडिचर को पूछ दिया आफ्टर द रिडक्शन इन हेल्थ रिलेटेड कर्ब्स नेक्स्ट इज दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी हाइस्ट मंथली जी एस कलेक्ट जी एस टी कलेक्शन सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ जी एस टी तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है मंथली जीएसटी रेवेन्यू फॉर मंथ ऑफ दिसंबर स्टूडेंट 1.15 लाख करोड़ आफ्टर रजिस्ट्रिंग 12% ग्रोथ इन जीएसटी रेवेन्यू ओवर दिसंबर 2019 2019 का जो जीएसटी कलेक्शन था उससे 12% जो है ज्यादा ग्रोथ हुई इन 2020 सो हेयर डी ऑल ऑल ऑफ द बाबर करेक्ट तो अगर हम मंथली एक्सपेंडिचर देखें इसमें हम अभी जैसे डिस्कस किए हैं कि अक्टूबर में वन वन टी नाइन परसेंट टू फोर्टीटी ऐसे जो है वो लास्ट मंथ्स में जो ग्रोथ हुई है और अगर हम देखें तो यहां नेगेटिव है इन तीन मंथ्स में और उसी के साथ ही अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको भी देख सकते हैं कि वो भी जो है अब ग्रो कर रहा है नेक्स्ट रिकवरी इन जीएसटी तो अगर हम देखें तो अप्रैल के टाइम पे जो था ग्राफ बिल्कुल ही जो है वो डिप कर गया था लेकिन स्लोली स्लोली जो राइज है और दिसंबर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्वेल्व परसेंट की जो है वो ग्रोथ देखी गई नेक्स्ट इज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नॉन हैव बीन एडवर्सली हिट बाय द स्लम्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर द पेंडेमिक आउटब्रेक दिस इज करेक्ट माइनस सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट का जो है वो ग्रोथ हुआ नॉन डेप्टिसिप्स में और इस सारे कॉम्पोनेंट्स में हुआ नेट टैक्स रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यू में नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट में नेक्स्ट इज ऑल डायरेक्ट टैक्सेस एंड मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट एक्साइज ड्यूटीज शोड अ डिक्लाइन इन 2020 एंड 21 दिस इज अगेन करेक्ट सो जो ग्रॉस ग्रॉस रेवेन्यू था तो ये 12.6 जो है लोअर था लास्ट पीरियड से अगर हम देखें फर्स्ट एट मंथ्स में 2021 के

और अगर हम नॉन डेप्ट कैपिटल की बात करें तो कोविड नाइन्टीन के चलते गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट जो सोची थी बहुत सारे बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान चला रही है उस वो भी क्या हुआ कोविड नाइन्टीन के चलते जो है सक्सेसफुल नहीं रहा गवर्नमेंट ने जो था मोबिलाइज करना था टू पॉइंट वन लाख करोड़ रुपये लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ नाइन्टी थाउजेंड करोड़ जो है वही मोबिलाइज कर पाई तो जिसके चलते भी जो था जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्टो एक जो डिसमेंट एक मेजर कॉम्पोनेट है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का जिसके चलते वो कम गए नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन आरबीआई टूगेदर अनाउंस टोटल स्टिमुलस वर्थ लैख करोड़ जो कि नेशनल जी डी पी का कितना परसेंट है तो नेशनल जी डी पी का फिफ्टीन परसेंट है डी इज द करेक्ट आंसर तो गवर्नमेंट uh, ने और आरबीआई uh, ने मिलकर जो स्टिमुलस दिया वो तीन सेक्शंस में दिया पहला जो था स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था मे में, में अनाउंस किया गया फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्टिमुलेट करने के लिए अक्टूबर में किया गया उसके बाद जो था आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो है वो नवंबर में अनाउंस हुआ तो अब हम इसका एक रिस्पांस देखते हैं कि क्या था तो मार्च में जो जो स्टिमुलस दिया गया उसमें एट्टी जो है फूड और लाइवलीहुड जो वनरेबल सेक्शन है उसके लिए और उसमें एट जो है वो हेल्थ के लिए मे जून में जो हुआ उसमें जो मेजर चंक है वो लिक्विडिटी स्पोर्ट टू फॉर्म थर्टी परसेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट को गया और फूड और लाइवलीहुड को ट्वेल्व परसेंट और डिमांड बूस्ट करने के लिए सिक्स परसेंट सिमिलरली अक्टूबर में फिफ्टी वन परसेंट जो है इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग के लिए दिया गया और फोर्टी नाइन परसेंट कंजम्पन को बूस्ट करने के लिए दिया गया और नवंबर में फिफ्टी नाइन परसेंट इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग के लिए दिया गया

ये जो है ये फीचर नहीं है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट द्लेटफॉर्म का ये जो है ये थ्री पिलर्स हैं ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स तो ये जो है ये थ्री पिलर्स हैं ना कि फीचर्स हैं तो वन एंड टू इज इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया अगस्त टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में नेक्स्ट फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट हैं फर्स्ट इट इज अनबाइ सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ असेसमेंट तो दिस इज करेक्ट इसको पहले ई असेसमेंट स्कीम भी कहते थे और इसको जो है अगस्त 2020 में रीनेम किया गया ये 2019 में लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में इसको रीनेम कर दिया गया सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑटोमेटिक रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस अक्रॉस इनकम टैक्स टीम्स विद डायनेमिक यूरिस्डिक्शन एंड इलिमिनेशन ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड टैक्स पेयर जिससे कि ये होगा कि इट विल लीड टू एन एफिशिएंट नॉन डिस्क्रिशनरी अनबाय सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ असेसमेंट नेक्स्ट जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है है इसको हेड करेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये भी जो करेक्ट है सी इज द करेक्ट आंसर ये जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है इसका जो हैडक्वार्टर है वो डेली में होगा तो ये सोल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा बिटवीन डिपार्टमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर और 2020 में गवर्नमेंट ने जितने भी फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर जितने भी पेंडिंग असेसमेंट्स थी अक्रॉस कंट्री जो थी वो सारी स्कीम के अंदर ला दी हैं एंड गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि डिक्लेयरिंग एनी ऑर्डर पास आउटसाइड द स्कीम शैल बी इनवैलिड नेक्स्ट इज फेसलेस अपील स्कीम जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है

ये करेक्ट है सो हेयर बी इज ओनली करेक्ट आंसर ये जो अपील यूनिट है इट विल बी और मोर कमिश्नर अपील्स और ये ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा बिटवीन टैक्स पेयर एंड अंडरलाइंग अपील यूनिट्स नेक्स्ट है कि इंडिया में टैक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कौन से सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं तो पहला है टैक्स टैक्समैन ये नहीं है अब नेक्स्ट है ई निवारण पोर्टल ये करेक्ट है सीपी ग्राम्स जो है ये करेक्ट है विच इज सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मोनिटरिंग सिस्टम और जो इनकम टैक्स ऑबर्ट्समैन है ये भी अब नहीं है तो टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट है तो इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की गई है

इन दोनों इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश कर दिया और अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जो है वो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जैसे कि आयकर सेवा केंद्र है ई निवारण पोर्टल है जो कि एक सेपरेट और डेडिकेटेड विंडो है फॉर गिवस रिडर्सल इन इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन और एक जो है वो सीपी ग्राम है अब हम लोग क्वेश्चन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं जो इसमें डिस्कस की गई है वो है कि इंडिया में जो है टैक्स पेयर चार्टर जो है वो इशू किया गया है जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका जो थर्ड पिलर है वो है टैक्सपेयर चार्टर तो टैक्सपेयर चार्टर में आपको बताऊं सबसे पहले जो कंसेप्ट है टैक्सपेयर बिल ऑफ राइट का वो यूएस में इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और फाइनली जिसको जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज ने 2014 में जो है जो एग्जिस्टिंग राइट थे उनको जो है वो अडोप्ट किया टू में ऐसे ही कैनेडा ने भी जो है 2007 में जो है वो अडॉप्ट किए तो राइट इंडिया का जो चार्टर है तो पहले डिपार्टमेंट कमिटमेंट तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या क्या कमिटमेंट है चार्टर के हिसाब से तो है कर्टियस फेयर और रीजनेबल ट्रीटमेंट टू टैक्सपेयर ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है रीजन टू बिलीव Fair and impartial appeal procedure and uh, review mechanism Accurate and complete information for fulfilling uh, Tax compliance obligations under the law Timely decisions in every income tax proceedings Joby time prescribed a law calendar Or collection of correct amount of uh, tax due as per law Respect of taxpayers privacy By following due process of law Ensuring no more intrusive than Necessary in inquiry examination enforcement नेक्स्ट इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई टैक्स फेयर टू डिपार्टमेंट अनलेस ऑथोराइज बाई लॉ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी अलाउ टैक्स पेयर टू चूज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिस चॉइस प्रोविजन टू लॉज कम्पलेट एंड इंश्योर इट्स प्रॉम्प्ट डिस्पोजल फेयर इन पार्शियल सिस्टम रिजॉल्विंग टैक्स इशू इन टाइम बाउंड मैनर पब्लिशिंग द सर्विस स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट प्रियोडिकली रिड्यूज कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस तो ये जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये सेस है अब टैक्स पेयर की क्या ऑब्लिगेशन है तो टैक्स पेयर की पहली ऑब्लीगेशन यही है कि ऑनेस्टली डिस्क्लोज करे फुल इंफॉर्मेशन एंड फुलफिल इज कम्पलाइंस ऑब्लीगेशन एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो टैक्स पेयर है अवेयर होगा ऑफ इज अंडर टैक्स लॉ ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू कीप रिक्वायर्ड एज पर लॉ एक्सपेक्टेड टू नो वट इंफॉर्मेशन एंड सबमिशन आर मेड बाई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेक्टेड टू मेक सबमिशन एज पर टैक्स लॉ इन टाइमली मैनर

नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिसिप्टे ये ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो नॉन डेप्ट कैपिटल होता है इट कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवाज एंड बी जो है वो correct answer है की की जो जो रसिप, जो, जो हैं वो दो टाइप में जो है वो मेन डिवाइड की जाती हैं एक है नॉन डेप्टिसिप्ट और दूसरी है डेप्ट रिसिप्ट जो नॉन डेप्ट है उसमें क्या है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट जिसमें कि रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिस इनवेस्टमेंट रिसिप्ट आता है जैसे मैंने अभी बताया और डेप्थ रिसिप्ट में क्या आता है मार्केट बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज विच द गवर्नमेंट इज ऑफ लाइक टू पे और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ आर बी आई ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट फ्रॉम सर्विसज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू आर करेक्ट द डायरेक्ट टैक्सिसंस्टीट्यूट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दिस इज करेक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें कि कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स आता है तो फिफ्टी फाइव परसेंट जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ये इसी का पार्ट होता है नेक्स्ट एज पर बजट जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ये टेन पॉइंट एट परसेंट ऑफ जी डी पी तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो सी इज द करेक्ट आंसर अब हम ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सबका शेयर देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस 55% परसेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 45%। परसेंट जिसमें कि जीएसटी जो है वो 29%। परसेंट अगर हम यूनियन एक्साइज ड्यूटीज देखें तो 11% परसेंट है अगर हम कस्टम्स देखें तो 6% परसेंट है और अगर हम कॉरपोरेशन टैक्स देखें तो दिस इज ट्वेंटी और टैक्सीज ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स देखें तो वो है ट्वेंटी सिक्स परसेंट अब बात करेंगे कि जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है अगर कहा जाए कि इसको हेड किसने किया तो एनके सिंह ने तो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने इनमें से कौन सी कौन सी, ज, कौन सी जो है ग्रांट की रिकमेंडेशन दी है इनमें से कौन सी चीजों के लिए तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एरिया के लिए करेक्ट है नेक्स्ट इज मंडल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत ये भी करेक्ट है नेक्स्ट इज फिफ्टी नाइन कंटोनमेंट बोर्ड्स नेक्स्ट इज ग्रांट फॉर इंप्रूविंग एम्बियंट एयर क्वालिटी इन मिलियन प्लस सिटीज अर्बन एग्लोमोरेशन दिस इज अगेन करेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर तो जो फाइनेंस कमीशन है इसने रिकमेंड किया है वन पॉइंट नाइनटी नाइन लैख करोड़ फॉर ट्रांसफर टू स्टेट्स फॉर पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिशियट ग्रांट ग्रांट टू लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट हायर हैं

जो टोटल लाइबिलिटीज हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इंक्लूड डेप्ट कॉन्ट्रेक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड जिसको कि टेक्निकली पब्लिक डेप्ट कहते हैं और पब्लिक अकाउंट नेक्स्ट इज इट इज करेक्टराइज बाय लो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क दिस इज करेक्ट दिस इज ओइंग टू लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट इन डेप्ट पोर्टफोलियो एंड ऑलमोस्ट इंटायर एक्सटर्नल बोरिंग्स बींग फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज तो ये जो है करेक्ट है

और रिमेनिंग जो टेन परसेंट है वो इज इट इज केटर्ड टू पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ जिसमें कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड स्टेट प्रोविडेंट फंड रिजर्व फंड डिपॉजिट और अदर अकाउंट्स जो है वो इंक्लूडेड है सो so, इसी के साथ जो है चैप्टर टू जो यहीं पे कंक्लूड होता है अब हम चैप्टर थ्री डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज चैप्टर थ्री विच इज एक्सटर्नल सेक्टर The air that blows off a small lamp becomes the friend of a jungle fire, power garner support. So, air that blows off a small lamp becomes the friend of a jungle fire, power garner support. So, first question advanced economies suffer the steepest decline in exports and imports as compared to emerging developing economies. This is correct. जो ए जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें ट्वेल्व पॉइंट नाइन परसेंट का जो है वो डिक्लाइन आया है ट्वेल्व पॉइंट नाइन परसेंट और इनके जो इम्पोर्ट्स हैं वो टेन पॉइंट एट परसेंट से जो वो है कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहीं अगर उसी के कम्पेरिजन में हम इमर्जिंग इकोनॉमीज देखें तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं वो टेन पॉइंट वन परसेंट से जो वो है कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो साउथ एशियन एशियन जो एक्सपोर्ट ओरियंटेड कंट्रीज हैं उनमें बहुत कम श्रिंकेज हुई है जिसका कि मेन रीजन जो है वो वियतनाम ताइवान अ, मलेशिया इन कंट्रीज की परफॉर्मेंस है नेक्स्ट इज ट्रेड इन फ्यूल्स टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स विटनेस डिक्लाइन दिस इज इन जो इंपैक्ट है ट्रेड का इट वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फ्यूल और माइनिंग प्रोडक्ट जो थे उनमें जो है उनमें प्राइस ऑलमोस्ट क्लेप्स कर गए माइनस थर्टी एट परसेंट जो है वो डिक्लाइन हुआ और ऑटोमेटिक जो जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स का था उनमें बिगेस्ट डिक्लाइन हुआ लेकिन जो टेली सेक्टर है इसके लिए जो है वो राइज देखा गया क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम था उसके चलते स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे इनकी डिमांड बढ़ी हुई थी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा था तो अगर टेलीकम्युनिकेशन को इसमें से निकाल दिया जाए तब ये स्टेटमेंट करेक्ट है सो ए इज ओनली द करेक्ट आंसर तो अगर हम ट्रेंड देखें वर्ल्ड आउटपुट और ट्रेड वॉल्यूम का तो जो वर्ल्ड का वॉल्यूम है वो ये वाली लाइन शो करती है जिसमें कि माइनस टेन पॉइंट फोर परसेंट से जो है वो डिक्लाइन है अगर हम वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल, मर्चेनाइज ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो नाइन पॉइंट टू परसेंट का जो है वो डिक्लाइन है यहाँ पे और वर्ल्ड आउटपुट जो है जो एंड पीरियड है उसमें जाके जो है वो इंक्रीज है लेकिन स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन फेज था उसमें जो है वो बहुत स्टीप डिक्लाइन आया है नेक्स्ट इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड को लेके कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, हमें बताना है इंडिया रजिस्टर्ड अ ट्रेड सरप्लस इन मंथ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी गैप ऑफ एटीन ईयर सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट द डिक्लाइन इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड शार्प कॉन्ट्रेक्शन इन लाइन विद कंट्रेक्शन इन ग्लोबल ट्रेड द डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स आउट वेट दैट इन एक्सपोर्ट्स, लीडिंग टू स्मॉल ट्रेड डेफिश इस ईयर जो ट्रेड डेफिशियट है वो सिर्फ इंडिया का नाइन पॉइंट एट यू एस डॉलर था नाइन पॉइंट एट बिलियन था और अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो फोर्टी नाइन पॉइंट टू बिलियन था सो so, इतनी ह्यूज जो है जो है ट्रेड डेफिसिट में जो है वो चेंज आई है सो so, इंडिया रजिस्टर इन द मंथ ऑफ जून और अगर हम अप्रैल दिसंबर के पीरियड की बात करें तो जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव बिलियन है क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर फिर से जो है ट्रेड चल पड़ा और अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की लास्ट ईयर की बात करें तो ये था वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन बिलियन टू थाउजेंड नाइनटीन में और ये था ट्वेंटी का नेक्स्ट इंडिया हैड मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस विद यूएसए फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड नेपाल दिस इज अगेन करेक्ट नेक्स्ट इंडिया हाईस्ट ट्रेडिश इज विद चाइना फॉलोड बाय इराक एंड सऊदी अरेबिया दिस इज अगेन करेक्ट सो वन टू एंड थ्री डी ऑल ऑफ द आर करेक्ट अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट देखें तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्ट देखें तो क्वार्टर वन में जो था इम्पोर्ट्स जो थे बिल्कुल डिप हो गए सेकेंड में राइज स्टार्ट हुआ और थर्ड में जो है वो स्ट्रांग होने स्टार्ट हो गए इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट्स में देखें तो एक्सपोर्ट्स में इम्पोर्ट्स में जो था वो शार्प कॉन्ट्रेक्शन थी यही रीजन था जो जिसके चलते जो है हमें ट्रेड सरप्लस हुआ और ट्रेड बैलेंस जो है वो भी क्लियरली विजिबल है अब हम उन उन कॉमोडिटीज को देखेंगे जिनमें इंडिया का मर्चेंडाइन ट्रेस जो है वो ट्रेड जो है वो फेवरेबल रहा तो फेवरेबल किस में रहा ड्रग्स में ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल मेरी प्रोडक्ट्स में गोल्ड में आर एम जी कॉटन कॉटन फैब्रिक आयरन स्टील आयरन और राइस बासमती राइस अदर देन बासमती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जो था इंडिया का फेवरेबल रहा इंडिया के इंडिया के लिए ट्रेड इनके साथ इन कॉम्योडिटीज में और अनफेवरेबल किस में रहा अगर सबसे ज्यादा अनफेवरेबल की बात करें तो पेट्रोलियम क्रूड फिर गोल्ड में कोल कोक फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेजिटेबल ऑयल्स कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरियल्स फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक रॉ मटीरियल्स एयरक्राफ्ट स्पेस पार्ट्स अब हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पॉजिटिव है वो यूएस से फिर बांग्लादेश नेपाल के साथ है देन यूके देन नीदरलैंड अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ है उसके बाद इराक और सऊदी अरेबिया है देन स्विट्जरलैंड है तो इंडिया के मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो पी है वो है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेन्ट्स पी है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स तो पहला है पीओ एल एक्सपोर्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नेगेटिवली टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पीरियड अंडर रिव्यू Underview, मतलब जो हम ये अप्रैल टू दिसंबर की बात कर रहे हैं तो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज नॉन प्यर एक्सपोर्ट टर्न पॉजिटिव एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन क्वार्टर थ्री ये भी जो है करेक्ट है जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के वो फिफ्टीन पॉइंट सेवन परसेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट किए अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो सिर्फ टू पॉइंट फोर जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट किए थे और जो पेट्रोल जो पी एल एल एक्सपोर्ट्स हैं ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स के टेन टू फिफ्टीन परसेंट हैं जो टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया का उसका टेन टू फिफ्टीन परसेंट जो है वो पी ओ एल एक्सपोर्ट्स हैं और जो फॉल था पी ओएल एक्सपोर्ट में इट वॉज लार्जली ड्रिवन बाई सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस और अगर नॉन पी ओ एल की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए लेकिन उसके बाद जो है ये पॉजिटिव जो है वो ग्रोथ देने लगे और अगर हम नॉन पीएल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर एलीड प्रोडक्ट्स ड्रग फार्मास्यूटिकल और जो ओर एंड मिनरल थे ये जो है धीरे धीरे जो है एक्सपेंड करने स्टार्ट हो गए लेकिन इस, इस, इसमें जो मेन जो ग्रोथ पुल हुई वो ज्वेलरी जेम्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल ये जो सेक्टर्स थे इनके चलते जो वो है डिक्लाइन था नेक्स्ट इज ड्रग फार्मेशन बायोलॉजिकल रिजिस्टर्ड डिक्लाइन ड्यू टू पैंडेमिक तो दिस इज हाईली इनकरेक्ट इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेक्शन था ये राइज किया तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो वन एंड टू जो है वो करेक्ट आंसर है तो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें एक्सपोर्ट ग्रोथ में तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स जो है उसमें अगर नॉन पीओएल एल देखें अगर हम पी एल देखें तो जो पी एल है उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिक्लाइन था एज कंपेयर टू नॉन पी एल तो नॉन पी जो है वो पॉजिटिव हो गए क्वार्टर थ्री में लेकिन पेट्रोलियम पर जो पी ओ एक्सपोर्ट्स हैं तो इसमें अगर हम रेलेटिव कंट्रीब्यूशन देखें इन एक्सपोर्ट्स ग्रोथ तो हम इसमें पी ओ एक्सपोर्ट्स और नॉन पी नॉन पी ओ एक्सपोर्ट्स को अगर देखें तो नॉन पी ओ एक्सपोर्ट्स जो हैं फाइनली हमने इसको पढ़ा है कि ये जो हैं वो ईज हो गए थर्ड क्वार्टर में जाके जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो इनकी इम्प्रूव हो गई और रेलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम नॉन पीओल एक्सपोर्ट्स में देखें तो जैसा कि हम पहले देख सकें एग्रीकल्चर और एलिट जो हैं ड्रग फार्मास्यूटिकल्स और और मिनरल जो हैं इन तीनों ने जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ दी है और सबसे वर्स्ट जो है वो जेम्स और ज्वेलरी हुआ देन इंजीनियरिंग गुड्स देन टेक्सटाइल एंड एलिट प्रोडक्ट्स जो हैं नेक्स्ट इंडियाज पोटेंशियल टू बी कॉल्ड फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड को लेके कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बिहाइंड चाइना एंड इटली तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और अगर हम वैल्यू की बात करें तो फोर्टींथ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में जो इंडिया की जो मार्केट है वॉल्यूम के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है अगर वैल्यू की बात करें तो फोर्टीन लार्जेस्ट है इंडिया नेक्स्ट इंडिया इज द ओनली कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफ डी फर्मा प्लांट्स आउटसाइड यूएसए ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है जिससे कि जो शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है इंडिया का वो भी जो है वो राइज किया अप्रैल अक्टूबर में मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कॉमोडिटी जो फार्मास्यूटिकल्स थे तो स्टेटमेंट ये जो है सारी करेक्ट है लेकिन ये जो इंडिया का जो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की जो बात है इसमें लेकिन कुछ चीजें जो हैं इंडिया के लिए चैलेंज हैं वो चैलेंज ये है कि इसमें ये चीज समझ आई है कि इंडिया की जो है एक्सेसिव डिपेंडेंस है जो इंडिया की इंडियन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी एक्सेसिव डिपेंडेंस है चाइना में फॉर सोर्सिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड की स्टार्टिंग जो मटेरियल्स हैं वो सारे जो हैं अभी भी हमें चाइना से लेने पड़ते हैं तो ये जो है एक सीरियस मैटर है इंडिया के लिए और दूसरा ये है कि जो यूएस है अगर हम बात करें एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की तो यूएस कंटिन्यूज टू द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया और चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन है और जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं इसमें भी जो है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं ये वन ऑफ जो गवर्नमेंट ने उसमें पहले जो टेन की सेक्टर्स है उसमें एक जो है वो फार्मास्यूटिकल्स भी जो है वो भी है अब हम अगर इम्पोर्ट्स की बात करें अप्रैल नवम्बर टू के पीरियड में इंडिया की तो उसपे हम स्टेटमेंट्स देखते हैं क्रूड पेट्रोलियम कंटिन्यूज टू बी हाइस्ट इम्पोर्टेड कॉमोडिटी इन इंडिया दिस इज करेक्ट फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट का जो है वो इम्पोर्ट का शेयर है क्रूड पेट्रोलियम का और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो शेयर है वो फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट है गोल्ड का शेयर फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट है ये जो फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट है ये करंट ईयर की फिगर है अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर ट्वेंटी वन परसेंट जो था वो क्रूड पेट्रोलियम जो था उसका इंपोर्ट हुआ था और अगर हम गोल्ड में देखें तो लास्ट ईयर जो था 6.3 परसेंट जो है वो इंपोर्ट किया गया था इस साल 5.6 परसेंट जो है वो इंपोर्ट किया गया है नेक्स्ट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरीफेरियल इज द न्यू एडिशन इन द टॉप टेन इंपोर्ट कॉम्योडिटीज़ ये बिल्कुल करेक्ट है इस साल जो है वर्क फ्रॉम होम के चलते जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ये नया नया जो है वो टॉप टेन में आ गया है नेक्स्ट इज यूएसए एस कंटिन्यूज टू बी लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स फॉर इंडिया तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है इंडिया का जो लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स है वो चाइना है ना कि अमेरिका सो वन एंड टू जो है वो करेक्ट है जो चाइना है ये लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स है और अगर हम टॉप टेन कंट्रीज की बात करें तो इसमें जो है पहली बार जो है वो जर्मनी जो है वो एड हुआ है टॉप टेन कंट्रीज में तो अगर हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखें अप्रैल नवंबर की 2020 की शेयर परसेंट उस, उसका कंपेरिजन विन तो एक्सपोर्ट में जो है वो सबसे ज्यादा शेयर जो है यूएस के साथ है उसके बाद चाइना उसके बाद UAE है लेकिन अगर हम शेयर परसेंट की बात देखें uh, 2019 में तो नाइनटीन में यूए के साथ नाइन पॉइंट थ्री परसेंट था लेकिन अब जो है फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट है तो अगर आप देखें तो यूएसए चाइना यूएई हांगकांग देन सिंगापुर फिर बांग्लादेश फिर जर्मनी यूके मलेशिया नीदरलैंड अब हम इसी को इम्पोर्ट में देखते हैं इम्पोर्ट में सबसे ज्यादा जो शेयर है लार्जेस्ट सेवन सेवन का वो जो है चाइना के साथ है 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 उसके उसके बाद बाद यूएस देन हॉन्गक और इसमें हमने लास्ट में पढ़ा है कि जर्मनी जो है ये फर्स्ट बार जो है टॉप टेन में जो है एंटर किया है जिसके चलते जो स्विट्जरलैंड है वो लास्ट में चला गया इसी के साथ ही मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी जिसमें मैंने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो फ्रेम नहीं किया है उसमें ये कि जो बांग्लादेश है, जो है 2011 से 19 तक हुआ है इसका जो एक्सपोर्ट है इंडिया से जीरो पॉइंट नाइन परसेंट हायर है और जो टॉप फाइव जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्टी कॉमोडिटीज जो हैं, उसमें 90% परसेंट जो इसका एक्सपोर्ट है वो पांच प्रोडक्ट में ही है बांग्लादेश का और उसमें जो मेन है वो सारे टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं फूटवेयर इंडस्ट्री हैं जिसमें कि हाईली जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसी के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके एक्सपोर्ट के हायर शेयर हैं और उसी के कंपैरिजन अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया का जो फाइव एक्सपोर्ट्स हैं मेन वो सिर्फ फोर्टी परसेंट कॉन्स्टिब्यूट करते हैं और ज़्यादातर इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं सारे लेबर इंटेंसिव हैं जिसमें कॉटन कारपेट टेक्सटाइल्स हैं और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से जो है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट मशीनरी और मैकेनिकल अप्लाइंस है जो वो जाते हैं अगर हम एफ से रिलेटेड स्टेटमेंट देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अट्रैक्टेड द हाईएस्ट इक्विटी इन 2020 सो दिस इज करेक्ट अगर हम अप्रैल 20 की बात करें करेंट एफडीआई रिकॉर्डेड एंड फ्लो ऑफ 14.8 परसेंट हायर एज कंपेयर टू फर्स्ट सेवन मंथी और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें एफ में तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो था इसने सेवनटीन पॉइंट सिक्स यू डॉलर जो है सेवन बिलियन यू डॉलर जो है वो गेन किए हैं और लास्ट ईयर जो था सिर्फ फोर बिलियन था तो इतना ह्यूज जो चेंज आया है नेक्स्ट सिंगापुर इज टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ एफ इक्विटी इन फ्लोज फॉरवर्ड बाई यू तो ये जो है ये भी करेक्ट है यूएस इज ऑन द सेकेंड पोजिशन और पहले जो था एक ईयर पहले यूएस फोर्थ पोजीशन पे था इन टर्म्स ऑफ एफडीआई डी आई इक्विटी इनफ्लोज और अब जो है वो सेकंड नंबर पे है तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं तो अगर हम नेट एफ देखें तो क्वार्टर वन में जो था नेगेटिव में था और क्वार्टर टू में जो है वो ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट है और अगर हम नेट एफ डी आई टू जी डी पी देखें तो क्वार्टर वन में जो है नेगेटिव में था और यहाँ पे जो है थ्री पॉइंट एट के करीब है

Or to fund higher investment, to so, the current account deficit is usually financed by capital account surplus. Next, current account surplus in 2021 is largely due to contraction in exports. No, this is due to contraction in imports, not exports. The rise in foreign exchange uh, reserves of RBI is largely been due to current account surplus, which is largely due to contraction in imports. तो in हम इसको इकोनॉमिकली ये भी कह सकते हैं जो करंट अकाउंट है इट इज एनोन विद द सेविंग इन्वेस्टमेंट बैलेंस नेक्स्ट अ करंट अकाउंट सरप्लस अ अर लेवल ऑफ नेशनल करेक्ट आंसर क्योंकि आ राइज इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज इन इफेक्ट इन्वेस्टिंग अब्रॉड

एग्जाम जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी एम ई एस हैज बीन अप्रूव बाई डब्ल्यू टी ओ दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट क्योंकि इसको यूएस ने टू थाउजेंड एटीन में ऑलरेडी जो है डब्ल्यू टी ऊ में चैलेंज किया था एम ई एस स्कीम को और फाइनल uh, जो रिपोर्ट थी डब्ल्यू पैनल की उसने कहा है कि इट इज़ अ प्रोहिबिटेड सब्सिडी एंड नीड्स टू बी विदड्रॉन अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन फाइल्ड बाय इंडिया सो वन एंड टू आर करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इंडिया रैंक सिक्सटी एट इन टू इन टू थाउजेंड ट्वेंटी इन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स पैरिमीटर सो दिस इज करेक्ट Next in logistic performance index released by UNDP, India ranked 44 in 2018. This is this this rank is correct. Like this report is not released by UNDP. This is released by World Bank. So A is the correct answer only. So this in another chapter mein, fir se detail. Mein India may infrastructure. Uh, इनिशिएटिव्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए उनमें से कौन से ये करेक्ट हैं तो पहला है भारत माला परियोजना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स वुड प्रोवाइड मॉडर्न मैकेज वेयर हाउसिंग स्पेस एंड वैल्यू एडिड सर्विसेज दिस इज अगेन करेक्ट दे नेबल फ्रेट एग्रीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन next is dedicated freight corridors aim at reduction in unit cost of transportation this is correct around 70% of freight is expected to shift to dfcs which will free up the capacity of uh, free the capacity of indian railways next is sagarmala aims to assist creation of appropriate infrastructure for growth of export from states this is incorrect Uski liye kalag scheme hai, which is TIES ties इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम जो माला है इट एम्स एट पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियालाइजेशन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट ये जो है माला के फीचर्स हैं। सो वन टू एंड थ्री जो है वो करेक्ट है तो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इनिशियटिव आर अंडर डेवलपमेंट फॉर लॉजिस्टिक्स फर्स्ट इज लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड आसेट यूटिलाइजेशन तो ये जो है ये करेक्ट है इसमें पोर्ट्स एयरपोर्ट्स जो नेशनल स्टेट हाईवेड कंटेनर डेपोर्ट जो हैं उन सब का जो है वो रियल टाइम मोनिटरिंग होगी नेक्स्ट इज अम्प्रीहसिम फॉर इंडिया लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म इज बींग डेवलप फॉर इंटीग्रेटिंग ऑर लॉजिस्टिक रिलेटिंग डिजिटल पोर्टल्स तो ये जो आई लॉग है इसके बारे में भी, भी बिल्कुल करेक्ट है सेवरल आई टी बेस्ट सोल्यूशन है कम्युनिटी सिस्टम फॉर कार्गो हैंडलिंग फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम लेकिन जितने भी ये सिस्टम्स थे इन सबका जो है अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था एक दूसरे से तो गवर्नमेंट एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लेटफॉर्म जो है आईलॉग जो है उसको डेवलप किया है फॉर इंटीग्रेटिंग और लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जितनी भी डिजिटल पोर्टल्स हैं उनको एक जगह क्लब करने के लिए सो वन एंड टू बोथ आर करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर और अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक uh, सर्वे में बल, बताया गया है कि ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इट इम्प्लॉयज ट्वेल्व मिलियन वर्क फोर्स इन इंडिया जो कि मेनली इन्वॉल्व है लैंड ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग सप्लाई चेन एंड कोरियर एक्सप्रेस सर्विसेज में तो गवर्नमेंट ने अब ये सोचा है कि नाइन्थ uh, uh, क्लास का जो नाइन्थ और टेंथ क्लास का जो करिकुलम होगा उसमें जो है लॉजिस्टिक्स को जो है ऐड किया जाएगा और इसको एज अ कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दीनदयाल दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और जो स्टेट स्किल मिशन है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको इस सेक्टर के लिए ट्रेन किया जाए सो इट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर थ्री नोट लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर फोर मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन

जो कि हायर है देन 11.4 परसेंट जो कि 2000 एंड जनवरी 2020 में थी और 21 में 15.2 पॉइंट टू परसेंट है नेक्स्ट अमंगज ऑफ रिजर्व मनी नेट फॉरेन एसेट्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंक्रीज तो ये जो है ये भी करेक्ट है अमंग द सोर्सेज ऑफ रिजर्व मनी इसमें क्या है नेट डोमेस्टिक एसेट्स हैं जिसमें कि नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल सेक्टर हैं और नेट फॉरेन एसेट्स हैं जो कि मेन ड्राइवर है फॉर इंक्रीज ऑफ रिजर्व मनी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी जो है एन एफ ए सो सी करेक्ट आंसर तो अगर हम मनी एग्रीगेट्स की बात करें तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है हम अभी डिस्कस किए हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो ट्वेंटी वन नाइन परसेंट है और अगर हम रिजर्व मनी देखें कंपेयर टू नाइनटीन ट्वेंटी तो उसमें भी जो ग्रोथ है नैरो मनी और ब्रॉड मनी तीनों में जो है वो इंक्रीमेंट है इन कंपैरिजन टू 1920 तो अगर हम इसमें ब्रॉड मनी की बात करें तो कंपोनेंट साइड से जो एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं वो लार्जेस्ट कंपोनेंट था टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉड मनी इन 2020 और अगर एग्रीगेट डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें मेन जो uh, उसके जो सोर्सेज हैं वो है हायर इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एंड रिस्क फ्री असेट सच एस एस सिक्योरिटीज जी जिससे कि जो हायर नेट बैंक क्रेडिट है वो मिला टू द गवर्नमेंट तो ओवरऑल जो मेन ड्राइवर्स ऑफ लिक्विडिटी थे 2021 में वो था करेंसी इन सर्कुलेशन गवर्नमेंट कैश बैलेंसी और जो रिजर्व बैंक फॉरेस्ट जो ऑपरेशन थे ये मेन रीजन थे लिक्विडिटी के राइस के नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई ने इनमें से कौन सी जो मेजर्स है वो इंट्रोड्यूस की टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द इकोनमी तो है रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन मार्केट ऑपरेशन इंड स्टेट डेवलपमेंट लोन स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंडस तो ये तीन ये तीनों जो है वो करेक्ट हैं तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एक्चुअल में पूरा एग्रीगेट दे दिया जाता है उसके बाद चैप्टर वाइज जब शिफ्ट होता है तो कुछ चीजें जो है वो रेपिटेशन होती हैं जैसे इनमें से ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि इसमें एक ऑप्शन में और भी इंक्लूडेड हैं कि रेजिंग बैंक लिमिट फॉर बॉरिंग ओवर नाइट अंडर दस एफ बाई डिपिंग इन टू लिक्विडिटी रेशियो टू थ्री परसेंट ऑफ एन टी एल फ्रॉम टू परसेंट जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं देन रिडक्शन इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक और इसी के साथ ही टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन नेक्स्ट है आरबीआई ने एक फाइव मेंबर एक्सपर्ट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी टू कोप विद कोविड रिलेटेड स्ट्रेस्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आंसर इज ए के वी कामत

तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो थी वो इंक्रीज कर दी गई फ्रॉम प्रेजेंट लेवल ऑफ ऑफ जस्टिस नेट बैंक क्रेडिट से या क्रेडिट इक्विमेंट अमाउंट विच एवर इज हायर टू सेवेंटी फाइव परसेंट तो रिविजन इन टारगेट हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑफ लार्ज एक्सपोजर्स टू सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स तो ये भी जो है करेक्ट है जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थी विद आसेर्स ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ एंड अबव जो थे उनको जो है वो क्रिसल के जो जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर लाया गया नेक्स्ट लिमिट्स ऑन एक्सपोजर टू सिंगल एंड ग्रुप बॉर एंड लार्ज एक्सपोजर्स ये भी जो है करेक्ट है तो ये भी जो है जो थर्ड स्टेटमेंट है लिमिट्स ऑन एक्सपोजर टू सिंगल एंड ग्रुप बोरर्स एंड लार्ज एक्सपोजर्स ये भी जो है करेक्ट है इसमें भी जो है वो रिवाइज किया गया इसके अलावा जो एक और चेंज की गई वो ये की गई इंक्लूजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एज एलिजिबल मेंबर्स लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो ये जो चार जो मेन रेगुलेटरी मेजर्स थी ये कोऑपरेटिव uh, बैंक्स के लिए लॉन्च की गई तो इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर है अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि कमर्शियल बैंक्स के लिए जो कौन सी जो रेगुलेटरी मेजर्स थी वो अनाउंस की गई

लाइक एग्रीगेट एक्सपोजर को ध्यान में रखा गया ऑफ बैंक है इट हैजू बी जी एस टी रजिस्टर्ड हावर दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई टू एम एस एम एस एम हावर दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई टू माइक्रोस्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एक्जैम्ड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तो जो बैंक का एक्सपोजर था अंडर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज़ उसको इंक्रीज कर दिया गया शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट जिसको बैंक सेंशन करती है उसको इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम वन ईयर टू फिफ्टीन मंथ फॉर डिसमेंट्स मेड अप टू जुलाई थर्टीड ट्वेंटी और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एक्सटर्नल बेंच मार्किंग ऑफ जो वो लोन्स किया गया आर बी आई डी रेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवास बाई एस सी बीस एक्सक्लूडिंग जितनी बैंक थी देवर मैंडेटेड टू लिंक ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल और रिटेल लोन्स एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स एक्सटेंडेड टू माइक्रोस्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस टू एक्सटर्नल बेंच मार्क सच एज रेपो रेट ट्रेजरी बिल रेट और एंड एनी एक्सटर्नल बेंच मार्क बैंक कैन ऑफर सच एक्सटर्नल बेंच मार्क लिंक लोन्स टू अदर टाइप्स ऑफ बोरोज एज वेल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी स्टैंडाइजेशन एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोन प्रोडक्ट फिर क्या था अंडर द एक्सटर्नल बेंच मार्क सिस्टम इंटरेस्ट रेस्ट पीरियड फॉर लोन वॉज ऑल्सो रिड्यूज टू थ्री मंथ्स विद द व्यू टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन पॉलिसी रेपोरे टू बोरोर्स मोर फ्रीकेंटली तो ये जो थी ये चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई अब हम इसी में बात करेंगे

ये तीनों जो हैं ये उसके हैं तो डी ऑल ऑफ जो है टू कैप्चर है. है, है, है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है जो पेमेंट परफॉर्मेंस है उसकी जो वेटेज है फोर्टी फाइव परसेंट है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जो है वो फाइव परसेंट है और इसमें दो चीजें और हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड पे उसमें फिफ्टीन परसेंट है और जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डिमांड साइड पे उसमें टेन परसेंट है तो अगर हम यू पेमेंट्स देखें तो अप्रैल के पीरियड में जो है इसमें डिक्लाइन था बहुत स्लाइट और उसके बाद जो है लगातार जो है वो राइज देखा गया है और उसी में अगर हम रुपए कार्ड यूजेस को देखें तो पॉइंट ऑफ सेल से जो था वो ज़्यादा जो है डिक्लाइन किया और अगर हम ई e कॉमर्स की बात करें तो इसमें बहुत स्लाइड जो है वो डिक्रीज आया उसके बाद ये जो है इंक्रीमेंट में है लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल था ये बिल्कुल डिक्रीज हो गया ड्यू टू लॉकडाउन अब हम इंडिया के जो बेंच मार्क इंडीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ये दो जो स्टेटमेंट है पहला है निफ्टी फिफ्टी और एस एन पी बी एस सी जो सेंसक है रिकॉर्ड को छुआ इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है इसमें जो निफ्टी था उसने राइज देखा फोर्टीन थाउजेंड सिक्स फोर्टी फोर पॉइंट सेवन का जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है और बीएससी का जो मार्क था वो था जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को नेक्स्ट है इंडिया का वी जो कि इंडेक्स है सर्कुलेटेड बाई एन इंडिकेट्स डिक्लाइन इन वॉलिटिलिटी इन स्टॉक मार्केट ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है सी इज द करेक्ट आंसर सो जो वी है

एस एन पी जो है वो दोनों दिखाए गए हैं नेक्स्ट अब हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं सो फर्स्ट इज इन इंश्योरेंस पेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड एज रेशो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन तो ये जो है दिस इज इन करेक्ट इंश्योरेंस पेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जी डी पी और जो इंश्योरेंस डेंसिटी है इट इज कैलकुलेटेड एज रेश ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन नेक्स्ट इंडिया इज़ एक्सट्रीमली लो इंश्योरेंस पेंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज एंड अदर कंपेरेबल कंट्रीज़ तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है इंडिया में जो इंश्योरेंस पेंट्रेशन uh, है ये टू पॉइंट सेवन वन था टू थाउजेंड वन में और बहुत जो है वो स्लोली इंक्रीज़ हुआ है और अगर हम इसके कंट्रास्ट अगर हम मलेशिया थाईलैंड चाइना में देखें तो जो राइज़ uh, है वो ज़्यादा है अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में पेंट्रेसन देखें तो टू पॉइंट एट्टी टू परसेंट है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का 0.94% है तो अगर हम पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन लाइफ इंश्योरेंस देखें तो इन परसेंट जो है इंडिया का 2.82 है और अगर हम नॉन लाइफ में देखें तो इन परसेंट 0.94 तो है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 ने इनमें से कौन सी जो चेंजेस है वो इंट्रोड्यूस की तो इट्स अ इनिशिएशन ऑफ

तो ये जो मेजर्स हैं ये स्पेशली कोविड नाइन्टीन के चलते जो है गवर्नमेंट ने लिया और अगर हम कॉपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप थ्री सेक्टर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं सी आई आर पी को वो है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट्स हैं सिर्फ इसीलिए राइज की टेम्प्रेरी फेज में ही सिर्फ और ये जो मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो वन लाख से वन करोड़ की जो लिमिट कर दी गई इसको जो है फिर 22, तो तक जो ट्वेंटी वो पोस्टपोन किया गवर्नमेंट ने पहले सिर्फ पीरियड्स के लिए जो था वो दिया गया देन पीरियड्स के के लिए उसकी मंथ्स देखिए तो चैप्टर फाइव है प्राइसिस एंड इन सो एज पर इकोनॉमिक सर्वे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन

सीपीआईसी इन्फ्लेशन ड्यू टू रेलिटिवली हायर वेट ऑफ फूड आइटम्स इन इंडेक्स ये भी करेक्ट है और नेक्स्ट हैेंजेस इन सी पी आई सी एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जिसके चलते दिस अकस डिस बींग ड्रिवन बाई सैट ड्राइव फूड इन्फ्लेशन सो वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट इनमें से कौन से फैक्टर जो, थे थे April, so, जो है रिस्पॉन्सिबल थे फॉर हाई हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी देर वॉज अ डैम्पनिंग ऑफ डिमांड ओइंग टू लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी सो दिस इज करेक्ट जो सी पी आई कम्बाइंड इन्फ्लेशन है इट हैज मॉडरेटेड सिंस टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन लेकिन टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो डायनेमिक्स है कम्पलीटली इन्फ्लेशन के चेंज हुए ओवरऑल हेडलाइन सी पी आई जो इन्फ्लेशन है इट रिमेन्न हाई ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन इन लॉकडाउन पीरियड एंड सब्सिक्वेंटली भी ये राइज में रहा ड्यू टू प्रसिस्टेंस ऑफ सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन सो राइज इन इन्फ्लेशन वॉज मोस्टली ड्रिवन बाई फूड इन्फ्लेशन सो द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है ड्यूरिंग लॉकडाउन तो ये भी जो है ये करेक्ट है सो so, अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर बात करें इंडिया में तो दो अपोजिंग जो फोर्सिस थी वो एक्ट प्ले थी एक हाथ में क्या था कि देयर वॉज uh, owing टू लोअर economic एक्टिविटी और दूसरी साइड में जो था सप्लाई चेन थे उससे जो फूड इन्फ्लेशन है वो राइज किया हुआ था सो ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन रिमेन हाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड सो एवरेज सीपीआईन वॉज फाइव पॉइंट नाइन टू थाउजेंड फोर्टीन जो कि लेकिन 1920 में उसने फिर से जो है 4.8 परसेंट जो है वो का रिकॉर्ड दिया लेकिन अगर हम दिसंबर की पीरियड की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर में जो था इट इंक्रीज टू 6.6 परसेंट लेकिन आफ्टर दिसंबर इट स्टार्टेड स्टार्टेड ईजिंग ए केम डाउन टू 4.6 परसेंट सो ट्रेंड इन सी पी आई सी हेडलाइन कोर और फूड इन्फ्लेशन में तो सबसे पहले अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखें तो हम फिर से देख रहे हैं कि सितंबर में जो है थोड़ा सा राइज हुआ लेकिन उसके बाद फिर से जो है ये मॉडरेट हो रही है इसी में अगर हम कोर नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन देखें तो ये भी मॉडरेट है लेकिन अगर हम फूड देखें तो फूड इन्फ्लेशन जो था सेम्बर में बहुत ज्यादा हाईएस्ट था लेकिन दिसंबर तक आते आते वो भी जो है वो मॉडरेट हो गया अब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है उसकी बात करेंगे सो इट डिक्लाइन इन करंट ईयर सो इट्स डिक्लाइन इन करंट ईयर इज मेनलीउंट ऑफ फ्यूल एंड पावर तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है तो अगर हम डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन की बात करें तो इट डिक्लाइंस फ्रॉम फोर पॉइंट थ्री परसेंट इन टू थाउजेंड नाइनटीन एटीन नाइनटीन टू वन पॉइंट सेवन परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी और अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें तो जीरो पॉइंट वन परसेंट जो है वो डिक्लाइन देखा गया है इसमें और ये नेगेटिव रही फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई और 1.2 परसेंट है बाय दिसंबर 2020 तो जो डिक्लाइन था इट इज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ फ्यूल एंड पार जो जो वॉलिटिलिटी रही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस में राउंड द ईयर उससे जो है इसमें जो मेजर डिक्लाइन आया नेक्स्ट बोथ डब्ल्यू फूड इन्फ्लेशन एंड डब्ल्यू कोर इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन 2021 तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज इनकरेक्ट जो डब्ल्यू पी आई फूड इन्फ्लेशन है इट डिक्लाइन फ्रॉम सिक्स पॉइंट नाइन टू फोर पॉइंट टू परसेंट लेकिन अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इंक्रीज हुई टू जीरो पॉइंट एट परसेंट और इसको अगर हम 1920 ट्वेंटी के साथ कंपेयर करें डब्ल्यू पी आई कोर इन्फ्लेशन को तो उस समय जीरो पॉइंट पॉइंट फोर परसेंट थी इन नाइनटीन ट्वेंटी लेकिन इसमें जो है राइज हुआ जीरो पॉइंट एट परसेंट का इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर तो अगर हम ट्रेंड की बात करें इन डब्ल्यू पी आई ऑल कॉम्यूडिटीज कोर एंड फूड इनफ्लेशन अगर हम डब्ल्यूड फूड इनफ्लेशन को ले तो नाइनटीन ट्वेंटी में जो था ये राइस पे था जैसे हम पहले देख सकें और फिर सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट से डिक्लाइन होकर जो है फोर पॉइंट टू परसेंट पे आ गया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऐसे अगर हम डब्ल्यू पी आई कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो नाइनटीन में डिक्रीज पे था लेकिन टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो है ये नाइनटीन में डिक्रीज में था लेकिन ट्वेंटी में जो है इस, इसने राइज करना जो स्टार्ट किया और हम ऑल कॉमोडिटीज की बात करें तो अप्रैल टू अप्रैल से जून के पीरियड में जो है ये डिक्लाइन में था उसके बाद ये जो है राइजिंग पे गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर राइज इन सी पी आई कोर नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉलिटिलिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस ये दोनों करेक्ट हैं नेक्स्ट है हाउसिंग इन्फ्लेशन तो ये जो है इनकरेक्ट हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर अगर हम सी पी आई कोर नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो इट डिक्लाइन फ्रॉम फाइव पॉइंट एट परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी टू फोर पॉइंट जीरो इन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये फाइव पॉइंट फोर परसेंट है राइज इन कोर इन करंट ईयर इज ऑफ मिसलिनियस ग्रुप जिसमें सर्विसेज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो इट इंक्रीज टू नाइन पॉइंट फोर परसेंट इन करंट ईयर लास्ट ईयर में टू पॉइंट फोर परसेंट जो है गेन हुआ अगर हम वॉलिटिलिटी और इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस की बात करें तो इसने भी जो कोर इन्फ्लेशन को है वो राइज किया लेकिन अगर हम मेजर ग्रुप लेवल की बात करें सीपीआई कंबाइंड में तो सिग्निफिकेंट फॉल जो है वो हाउसिंग इन्फ्लेशन में देखा गया 4.5 परसेंट हाउसिंग इन्फ्लेशन 4.5 परसेंट था 1920 में जो कि 3.3 परसेंट हो गया इन 2021। ट्वेंटी so, सो हम ग्रुप वाइज जो है वो कंट्रीब्यूशन देखेंगे टू ओवरऑल सीपीआई सी इन्फ्लेशन इन 1920 ट्वेंटी इन 2021 तो फूड एंड बेवरेजेस का जो है वो फिफ्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट है जो है वेटेज है इसमें जो अंदर का जो पोर्शन है नाइन ट्वेंटी का और बाहर का जो है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस का जो है वो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा और उसके बाद जो है वो मिसलिनियस का है जिसको हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं तो जो मेजर ड्राइवर ऑफ सी इन्फ्लेशन है वो फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप है और पहले इसका जो 1920 में था वो 15 53.7% था जो कि इंक्रीज हो गया 59% परसेंट 2021 मिसलेनियस ग्रुप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग है 26.8% परसेंट से और अगर हम सब ग्रुप्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसका सबसे ज्यादा रोल है उसके बाद पर्सनल केयर और जो इफेक्ट्स हैं उनका रोल है अब हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन इन स्टेट्स जो है उसको कंपैरिजन करते हैं तो जो सी पी आई सी इन्फ्लेशन है वो मोस्ट स्टेट्स में जो इंक्रीज हुई ज्यादातर करंट ईयर में सारी स्टेट्स में जो है इंक्रीज देखा गया और इसकी जो रेंज थी वो थ्री पॉइंट टू परसेंट से लेके इलेवन परसेंट तक देखी गई अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज और मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स जो थी उनमें जो है अगर हम अर्बन देखें तो जो अर्बन की ग्रोथ है वो ज्यादा है रूरल से तो अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा थी रेदर देन रूरल इन्फ्लेशन इस ईयर में और मेनली इसका जो मेन रीजन है वो फूड इन्फ्लेशन ही है अर्बन एरियाज़ में तो आप जितनी भी स्टेट्स में देखेंगे इवन आप मणिपुर में देखें तो अर्बन एरियाज में कितना ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन है इन कंपैरिजन टू रूर इसी तरह अगर हम ऑल ओवर इंडिया में रूरल और अर्बन जो इन्फ्लेशन है अगर हम उसको कंपेयर करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो अर्बन में जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अगर हम इधर भी देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रूरल इन्फ्लेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री तो कितना ज्यादा जो है स्टेट्स में वेरी कर रही थी इन्फ्लेशन और कितनी स्टेट्स में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी अब हम सी पी आई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उस, उसको देखेंगे तो बेस ईयर ऑफ सी पी आई इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैज बीन रिवाइज फ्रॉम अर्लियर टू थाउजेंड वन टू मोर रिसेंट बेस ईयर एंड इलेवन दिस इज इनकरेक्ट It has been revised to two thousand and sixteen. So, the CPIW hai, price index released by uh, Labour Bureau to measure the impact of price rise on cost of living for working class families spread across certain and select industries. Next, it measure changes in retail prices of fixed basket of goods and services being consumed by an average working class family. This is correct. Hai. Next, the new series has wider coverage in terms of sample size, number of centres, market outlets, and items. तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है तो डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है सो so नेक्स्ट है इनमें से कौन से स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए टू स्टेबलाइज प्राइजेस ऑफ फूड आइटम्स तो पहला है ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ये बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम ये भी करेक्ट है ये पल्सिस के लिए स्पेशली जो है लॉन्च की गई नेक्स्ट है फेसिलिटेटिंग इम्पोर्ट एट इंटीग्रेटिंग चेक पोस्ट ये भी करेक्ट है तो डी ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट है तो हमने देखा है कि पर्टिकुलरली इस ईयर में और हर ईयर जो होता है पल्सीज अनियन और पोटैटो जो है इनके प्राइस में जो है वो राइस काफ़ी ज़्यादा था तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट ऑफ अनियन कुछ देर के लिए जो है बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिया फिर इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट ऑन अनियन अंडर एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट जो है वो किया गया ताकि होर्डिंग ना हो फिर ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट फैसिलिटेटिंग इम्पोर्ट एट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इश्यूज ऑफ लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और अगर हम इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो ये जो है पर्टिकुलरली पल्सिस के लिए है सो इट इट वॉज इफेक्ट एफिशियंटली इम्प्लीमेंटेड एंड इट्सिडेड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइस ऑफ पल्सिस जिसमें सी की गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव क्रिएशन ऑफ अ डायनेमिक बफर ऑफ अप टू अपनी लैक टन ऑफ पल्सिस फॉर अप्रोप्रिएट मार्केट इंटरवेंशन और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो है मुजामी क्यू के साथ जो है वो एमओ यू भी साइन किया है फॉर सप्लाई ऑफ पल्सिस जिसमें कि तुर और जो बाकी पल्सीज हैं उनके लिए और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में इस टॉपिक में एक और चीज डिस्कस की गई जो कि थी कि अनियन uh, के प्राइस को लेके कि हर ईयर अगस्त टू नवंबर जो है वो अनियन के प्राइस में हमेशा ही है जो वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है उसका रीजन ये दिया गया है कि जो रबी हार्वेस्टिंग है वो मार्च और मई के बीच में होती है इन मोस्ट स्टेट्स और क्रॉप जो क्रॉप है वो जून जुलाई के बीच में सेल हो जाती है और जो खारिफ हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर टू नवंबर होती है और जो क्रॉप है जो अनियन की क्रॉप इज अवेलेबल इन द मार्केट वेल रबी हार्वेस्ट तो ये जो पीरियड है अगस्त टू नवंबर इसी टाइम जो है अनियन जो राइस जो राइस है वो ज्यादा शार्प होता है और इसमें जो मैंने एक और चीज जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया क्योंकि ये काफी कॉमन हो चुका है वो है ऑपरेशन ग्रीन्स लेकिन अगर आप बजट की वीडियो देखेंगे जो इस चैनल में डिस्कस की गई उसमें मैंने डिस्कस किया है कि पहले सिर्फ ये टॉप क्रॉप्स के लिए थी टोमेटो अनियन और पोटैटो के लिए लेकिन अब इसमें जो है और जो पेरिशेबल जो कॉमोडिटीज हैं उनको भी गवर्नमेंट ने जो है वो इंक्लूड किया है ताकि इनका जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके गवर्नमेंट ने इसमें ये भी सजेस्ट किया है कि अगर हम लाइक डिजिटली जो है इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाए हमें हमें पता चल पाए कि हमारे पास कितना स्टॉक है कितना नहीं है लेकिन इस पर अभी भी कुछ भी जो कंक्लूजिव है वो इकोनॉमिक सर्वे में सामने नहीं आया है सो चैप्टर फाइव में इतना ही था सो so, इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट फाइव चैप्टर हैं वॉल्यूम टू के वो कम्प्लीट होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग